स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने जितनी भी रिएक्शन है कार्बोनाइल की वो स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरह से एडिशन रिएक्शन हो रही थी हमारी, ठीक है। ये भी कुछ वैसी ही रिएक्शन दे रहा है कि क्या होता है। पहले ग्रिग्नार्ड क्या होता है वो देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज ए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड इन विच एल्काइल ग्रुप यानी आर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल भी हो सकता है या फिनाइल भी हो सकता है, और फिनाइल पीएच और एलाइल और कोई भी इस तरह का सीएच टू डबल बॉन्ड सीएच एलाइलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम यानी मेटल। तो ये हमारे लिए डायरेक्टली मेटल से अटैच हो रहा है। सो फाइनली ग्रिग्नार्ड हमारे लिए क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास हो जाता है आर एम जी एक्स। एम जी एक मेटल है और अगर कार्बन डायरेक्टली आर में क्या है कार्बन है, कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है मेटल से तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहां की पॉइंट बनेंगे दो तीन। तो पहला पॉइंट लिखिए व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल देन कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। सेकेंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ओ एम का मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। थर्ड पॉइंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर गुड सोर्स ऑफ आर माइनस। फोर्थ आर माइनस इज ए गुड बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये सारी बातें हमारे काम आएगी, यानी कि एसिड बेस रिएक्शंस हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। सिक्स
जनरली बात कर रहा हूं, जनरली टर्मिन, जनरली कंपाउंड विच, जनरली कंपाउंड, कंपाउंड की जगह आप लिखे जनरली एल, टर्मिनल एल्काइन यानी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और मोर एसिडिक कंपाउंड गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस, यानी जितने भी एल्काइन हैं, ये एल्काइन या इससे ज़्यादा हैं कंपाउंड, वो एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, देते हैं, बढ़िया है, देने दो। और नॉर्मल कार्बोनाइल कंपाउंड एंड नॉर्मल कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हो गए। सातवां, अब बात करते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रिगनार्ड के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बनाएंगे कैसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, एल्काइल एराइल या एलाइल, एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल एराइल एलाइलिक हैलाइड, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। हैलाइड आपने ले लिया प्लस मैग्नीशियम अगर आप रखते हैं तो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने आरएक्स ले लिया प्लस मैग्नीशियम, सॉल्वेंट यहां पर आपको लेना पड़ेगा नॉन पोलर, सॉरी पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक में आप यह है साइक्लिक ईथर जिसको आप बोल सकते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिया जा सकता है। इसमें आपको आर एम जी एक्स मिल जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हमारे पास ये रहा। तो इसी की तरह से आप बहुत सारी रिएक्शन देख सकते हो। अगर आपने हेलो एरिन ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया और आपने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ले लिया तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एम जी एक्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। साइंटिस्टों का ये मानना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो अबव रिएक्शंस इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
ये इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, और इसके लिए एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है। सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो यहां देखने को मिल रहा है वो होगा आपके पास आर एफ का सबसे कम, फिर आर सी एल, फिर आर बी आर, फिर आर आई। ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है। जनरली हम क्लोरीन ब्रोमीन वाले एल्काइल हैलाइड ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? लिखें इसको, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड दो तरह की रिएक्शन देगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे लिए रहेगी एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड, ऑफ ग्रिगनार्ड। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड, तो मैंने आपको ये बताया, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास आर एम जी एक्स है, ये अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों है? क्योंकि इट इज ए सोर्स ऑफ आर माइनस, और आर माइनस अगर एच प्लस पे अटैक करता है तो वो क्या कहलाती है, एसिड बेस रिएक्शन। मैंने यही कहा ना, कोई भी एनायन एच प्लस पे अटैक करता है बेस, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, और अगर वो किसी और कैटायन पे करता है जैसे कार्बोकैटायन पे तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज या ड्यू टू लिख लीजिए, ड्यू टू आर माइनस, बस इतना सा लिख लीजिए। तो अगर ये एच प्लस पे अटैक करता है तो आर एच बनेगा एल्केन, और दूसरा अपने आप एम जी एक्स माइनस बन जाएगा, यानी हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन में एल्केन ही बनेगी। तो कुछ खास पॉइंट जो एसिड बेस रिएक्शन के लिए हमारे लिए जरूरी थे, ऑल द एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव्स एल्केन विद ग्रिगनार्ड, ऑल द एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड गिव्स एल्केन विद जी आर, जी आर का मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो ग्रिगनार्ड रिएक्शन के साथ क्या देंगे, एल्केन देंगे, पक्का कर लो, पक्का। दूसरा बात, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, दूसरा पॉइंट, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और मोर एसिडिक गिव्स एसिड बेस रिएक्शन विद जी आर। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एल्काइन से ज्यादा एसिडिक है? हमने एक टेबल बनाई थी एसिड बेस टेबल, याद करिए, मेरे लेक्चर में है। तो वहां एल्काइन को पकड़ के उसके ऊपर जितने भी एसिड बेस हैं, एसिड्स हैं, वो सब आर माइनस के साथ क्या देंगे, एल्केन। तो एल्काइन से ऊपर कौन है मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके पास आर एम जी एक्स है प्लस एसिड, और आपको आर एच बनाना है, प्लस एम जी एक्स माइनस बन जाएगा। ये एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, ये एसिड होंगे आर टर्मिनल एल्काइन, बोलो यस और नो। वो सारे कंपाउंड्स की लिस्ट बनती जा रही है, क्या ये कंपाउंड एसिडिक होगा? हाँ, क्योंकि जैसे ही माइनस निकलेगा एरोमेटिसिटी जनरेट होगी,
दूसरा, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये नॉर्मल कार्बोनाइल नहीं है, ये एक्स्ट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिके और एल्काइन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो क्या ये भी एसिडिक है? हाँ, थर्ड। फोर्थ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस देता है। इसके अलावा H2O, 4, 5, RNH2, ये भी काफ़ी अच्छा एसिडिक है। नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होती है, ये बेसिक है वो अलग बात है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन भी रखता है। 6, RNO2, मैंने पहले भी बताया था, NO2 भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग एसिडिक रखता है, और इसके पीके की वैल्यू 9 के आसपास है, जो कि इसका मतलब ये तो फिनोल से भी ज़्यादा है, और फिनोल वाटर से ज़्यादा है। तो अगला पॉइंट होएगा, फिनोल भी ले सकते हैं हम। इसके अलावा HCN, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये सब एल्केन देने वाले हैं, CH3COOH, और वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, भले वो बेंजोइक एसिड ही क्यों नहीं हो, एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, जो ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से जुड़ते हैं। RC OH NH2, क्या ये एमाइड भी एसिडिक है? हाँ, ये अप्रोक्सीमेट वाटर जितना एसिडिक होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वाटर जितना एसिडिक है इसका हाइड्रोजन, क्योंकि रेजोनेंस में, तो ये वाटर देता है तो ये भी देगा एमाइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है, दिखने में दो दिखती है, लेकिन ऐसे एक बार देने के बाद दूसरे -2 बनेगा दूसरा देने के लिए, जो कि हाईली अनस्टेबल है। H2O भी एक ही एच देता है, OH बनता है, OH के बाद O-2 नहीं बनता, एक एच देने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। बाकी हैलोजन एसिड्स, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो इनको तो लिया जाएगा ही जाएगा जब हम उसको भी ले रहे हैं। तो क्या ये चीज समझ में आ गई? तो लिखिए इनको जल्दी से। D2O, H2O की तरह ही होता है, D2O भी उतना ही एसिडिक है लगभग जितना H2O है। थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो पोलरिटी ज्यादा होगी OD बॉन्ड की, खत्म बात। तो ज्यादा पोलरिटी है तो ज्यादा एसिडिक भी होगा। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, लिखो जल्दी से। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये एसिडिक शो कर रहा है, तो आप गलत देख रहे हैं, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। उसका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ CH3C OOH है, ट्यूटोमेरिस होने की वजह से ये CH2COOH और ये O, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और इस कारण RNO2 एसिडिक है। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखे। अब कुछ खास पॉइंट्स आपको और ध्यान में रखने हैं, जैसे ग्रिगनार्ट को हम हमेशा ड्राई एयर में रखते हैं, ड्राई इनर्ट में रखते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट में। क्यों भाई ऐसा? तो ये की पॉइंट जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिगनार्ड स्टोर इन इनर्ट एनवायरमेंट, इनर्ट
एंड ड्राई इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट बिकॉज जो ग्रिगनार्ड रिएक्शन रिएजेंट RMGX, ये O2 के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजिव रिएक्शन करके एक तरह से ROH बनाता है। और दूसरा, अगर आपने ड्राई नहीं रखा, मॉइस्चर रख दिया, तो RMGX H2O के साथ रिएक्शन करके एसिडिक हाइड्रोजन रखकर RH भी बनाता है। तो दोनों में ही ग्रिगनार्ड खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये हमें इनर्ट रखना पड़ेगा, आप चाहो तो इसके लिए N2 गैस लग सकते हो। और दूसरा, ड्राई रखना पड़ेगा, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इसको पैक रखना पड़ेगा, आपको कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, इसी के अंदर आप ईथर ले सकते हैं। ईथर यहाँ एनवायरनमेंट, तो ग्रिगनार्ड नॉट रिएक्ट विथ, नॉट रिएक्ट विथ ईथर और बिग साइक्लिक ईथर। सो दे आर गुड सॉल्वेंट, दे आर गुड सॉल्वेंट फॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये हमारे पास छोटी छोटी बातें रही। अब बात आती है कि अगर आपको कभी भी कोई एसिड मिल गया और ग्रिगनार्ड मिल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? एल्केन। मैं फिर बोल चुका हूं, क्या रहेगा? एल्केन। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। आप चाहे तो इसको एक चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, पूरा RMGX और कोई भी एसिड मिलाएंगे, पूरे सारे एसिड, मैंने जो 14 एसिड्स लिखे हैं वो सारे, और फाइनल कंपाउंड क्या बनाएंगे? एल्केन। समझ में आ रहा है? अगर RMGX की जगह एराइल हैलाइड है, मतलब फिनाइल ग्रुप है आर की जगह, तो आपके पास फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजी। कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? तो चलिए अगला पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सेकंड, एसिड बेस के बाद ग्रिगनार्ड रिएजेंट शो न्यूक्लियोफाइल फाइल न्यूक्लियोफाइल नेचर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो शो करेगा ग्रिगनार्ड, ये कैसे करेगा, इस पे वर्क करना है हमें। तो पहले ये लिख लीजिए ग्रिगनार्ड के साथ ही आप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किस तरह से जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। RMGX प्लस RC(OR), ये इस तरह का कोई रिएक्शन है, एल्काइल एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप हमेशा कैसे देखेंगे। और इसमें आपने टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ले रखा है, यानी साइक्लिक ईथर ले रखा है, आप कैसे सोचेंगे? मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां आपको इसको, ये जो आपके पास R माइनस है, ये इस तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और फिर ये इस तरफ जाएगा Mg। तो आपके पास फाइनल कंपाउंड क्या रहेगा? RCO-, ये R इस तरफ गया है R, और O- के साथ क्या हो जाएगा? MgX। बोलो होगा या नहीं होगा? यही कंपाउंड बनेगा, बस फाइनल ये। लेकिन अगर इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने वाटर मिला दिया, तो वाटर क्या करेगा? दो काम करेगा, एक तो बचा हुआ ग्रिगनार्ड खत्म कर देगा, और दूसरा
आर सी आर आर ओ एच कर देगा और एम जी एक्स ओ एच बना देगा। तो यानी कि वाटर का यहाँ क्या रोल है, फर्स्ट एच टू ओ फिनिश्ड, टू रिमाइंडर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन कंटेनर, और सेकंड क्या है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है MgX का, जो हमारे पास उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रिग्नार्ड में। तो एक तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यानी जो भी हमारे पास है सॉल्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम कन्वर्ट इन एल्कोहल। तो बहुत इजी है, फाइनल प्रोडक्ट आपको एल्कोहल ही देखने को मिलेगा इसके अंदर। आर की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर आप एल्कोहल या फिनोल हमारे पास हो सकता है, आर की जगह अगर फिनाइल ग्रुप हुआ तो हमें फिनोल मिल जाएगा, बाकी एल्काइल ग्रुप हुआ तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। या सुनो, आ रही है बात समझ में? तो ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो नहीं मिलेगा? देखो यहाँ एक कार्बन तो है, एक कार्बन ग्रिग्नार्ड देगा, तो मेथेनॉल कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय अबव रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट, यहां पर मेथेनॉल कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, बाय अबव रिएक्शंस। बाय अबव रिएक्शंस से आप नहीं बना सकते, ग्रिग्नार्ड से तो बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाओगे? बिल्कुल, ग्रिग्नार्ड से बनाने के लिए आपको एक और रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो आप पहले ही कर चुके हो कि अगर सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन फॉर्म फोर्थ नंबर कैन फॉर्म मेथेनॉल। कैसे बनेगा? सी एच थ्री एम जी बी आर कि अगर आपने सिंपल ऑक्सीडेशन कर दिया तो सी एच थ्री ओ एच आपको मिलेगा। सिंपल ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो यहां पर अल्कोहल मिल जाएगा आपको। तो लिख लीजिए, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, आपने मुझसे पिछली क्लास में भी पढ़ा था और फिर मैं बता रहा हूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटेल्डिहाइड और फिर कोई भी और एल्काइल हैलाइड, वो एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और उसके साथ ही आपके पास सबसे बाद में आ जाएगा कीटोन्स। जितना बल्कीनेस बढ़ेगा अटैच ग्रुप में, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो इस तरह से अटैच करने की कोशिश करता है, तो उसे स्टेरिक क्राउड ज्यादा मिलेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या हमने ये रिएक्शन देख ली ग्रिग्नार्ड की? हाँ, ग्रिग्नार्ड एक और रिएक्शन देता है, लिखिएगा, वो तरह की रिएक्शन शो करता है खासतौर पे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी पहले ऐड होना और फिर कुछ चीज निकाल देना, जिसको हम बोल सकते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कि सेकेंड ऑर्डर की होती है इसलिए बायोमोलिकुल, न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट होती है इसलिए, और एडिशन होके एलिमिनेशन, कुल मिला के एड होकर निकलना सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो एक तरह से एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई, और बीच में जो इंटरमीडिएट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए रिएक्शन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो हम इसको बोल सकते हैं SN2 TH2
टीएच टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो बात एक ही है, सब्स्टिट्यूशन कर दो या फिर एडिशन एलिमिनेशन, पहले ऐड होता है फिर निकलता है, तब भी सब्स्टिट्यूशन होगा, सही है। तो ये किस तरह से होती है, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके पास R है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ क्या है, कोई लिविंग ग्रुप है। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया R माइनस का सोर्स है, बोलो या सुनो। तो ये R माइनस इस तरफ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास जो एम जी एक्स इसके साथ है प्लस के साथ, सही है। तो R पे क्या चार्ज है यहाँ पर, माइनस, आ रही है बात समझ में। तो आपके पास अगला पॉइंट क्या होगा, R C O माइनस, ध्यान से सुनिए, ये एक और R जुड़ चुका है, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है, तो बताइए ये टेट्राहेड्रल है या नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है पूरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इंटरमीडिएट अगली स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है R, ये आपके पास L लीविंग कर जाएगा, लीव कर जाएगा L माइनस की फॉर्मेट में, तो बचेगा क्या, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये लीव कर जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O R प्लस L माइनस अलग हो जाएगा, ये L माइनस एम जी एक्स के साथ अटैच हो जाएगा, एम जी एक्स L, ये लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप हो चुका है, क्या अभी हमने पानी मिलाया, नहीं, तो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसकी एल्डिहाइड के साथ फिर रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी तक तो हमारे पास ये बन चुका है, अभी तो एडिशन एलिमिनेशन हो गया, पहला काम हो गया। तो यहां हमारे पास एक तरह से ये SnA एडिशन एलिमिनेशन, या बोल सकते हो Sn2 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, सब S का मतलब ही सब्स्टिट्यूशन तो है, और इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल है। तो अलग अलग बुक्स, अलग अलग राइटर्स इसको अलग अलग नाम ले ले, लेकिन काम एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, Sn2TH टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, और नाम में वही है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है, क्यों, क्योंकि इसमें पता चल रहा है पहले ऐड हुआ है फिर एलिमिनेशन हुआ है, इससे पता नहीं चल रहा है, नहीं पता तो चल रहा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तभी बनेगा जब ऐड हुआ है, पता दोनों से चल रहा है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, बस यही मान लीजिए। और आपको फाइनली क्या मिलेगा इसके अंदर, R मिल जाएगा प्लस, अगर इसको R डैश एम जी एक्स लिख देते हो तो यहाँ R डैश आ जाएगा प्लस एम जी एक्स और L, ये हमारे पास होगा। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में बना हुआ R C डबल बॉन्ड हो R डैश जो है वो R डैश एम जी एक्स के साथ फिर रिएक्शन करेगा। अगर आपने R डैश ले लिया, समझना हर जगह R डैश कर दीजिए आप, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपने बचे हुए को वापस रिएक्शन कराया तो R C O माइनस एम जी एक्स और यहाँ R डैश और यहाँ R डैश ये बनेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि R डैश माइनस अटैच हो रहा है यहाँ और ये O माइनस यहाँ जा रहा है, बोलो या सुनो। अब अगली टाइम में, नेक्स्ट टाइम में, मतलब अगला नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस अगर आपने कर दिया H2O हाइड्रोलिसिस, तो R C R डैश O H एम जी एक्स और ओ एच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एम जी एक्स को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा, तो वो उसका H इसको दे देगा और खुद एम जी एक्स ओ एच बना लेगा, सही है। तो फाइनली आपको इस जगह क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है।
यस और नो? तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लिविंग ग्रुप हो कौन सकते हैं। यहाँ की पॉइंट आपका इंतजार करेगा और वो की पॉइंट ये रहेगा, पहले समझ लीजिए इसमें, कि की पॉइंट आपका ये रहेगा कि यहाँ लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आप ही बताएं। लिविंग ग्रुप ये इसके अंदर ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, लिविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है? पहला ओ आर हो सकता है, हाँ यस ओ आर हो सकता है, यानी ओ आर होती है ये क्या हो जाएगा, एस्टर, सही है। और कौन सा हो सकता है? ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, हाँ एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, हाँ। नेक्स्ट हेलोजन यानी एसिड हैलाइड हो सकता है, हाँ पक्का। एमाइड हो सकता है, नहीं, क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन देता है, रखता है, तो एमाइड ये वाली रिएक्शन नहीं देगा, वो तो एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? एसिड बेस की, तो वो नहीं रहेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ओ एच हो सकता है लिविंग ग्रुप, नहीं, क्योंकि इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, मना कर देगा। तो जनरली ये क्या होगा, या तो एस्टर होगा, या एसिड एनहाइड्राइड होगा, या हैलोजन होगा, एसिड हैलाइट। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अगर ओ आर सी एल वगैरह वगैरह है? तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्ट, ये हेडिंग लिख लीजिएगा इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा होगा आर किसके लिए? फर्स्ट फॉर आर माइनस, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एमाइड या एसिड, ठीक है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन देंगे। फिर आपके पास ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, फिर आपके पास सीएल, फिर आपके पास जो भी है आपके पास एस्टर लिख लीजिए। तो ये आपके पास रिएक्शन होगा, लेकिन अगर एसिड एंड नाइट्राइड भी है तो आप पहले एसिड एंड नाइट्राइड को रखेंगे और फिर एस्टर बस। लेकिन अगर आपके पास अदर न्यूक्लियोफाइल, फॉर अदर न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल है जैसे आर ओ माइनस एनएच टू माइनस या अमोनिया जैसे, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो फिर आपकी रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अदर न्यूक्लियोफाइल्स के जो एसिड बेस रिएक्शन नहीं देते, फिर एमाइड सबसे कम देगा। क्योंकि ये तो दे रहे हैं आपके लिए एस एन ए और ये दे रहा है एसिड बेस, इसलिए ज्यादा आ गया था। कोई डाउट नहीं है? श्योर, लॉक कर दें? हाँ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, अदर न्यूक्लियोफाइल लाइक दिस, अगर आर माइनस हो गया तो एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर एमाइड एसिड बेस होने की वजह से वो फास्ट होगी। लेकिन अगर आर माइनस नहीं है, आर ओ माइनस है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, खत्म बात, पूरी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। विद साइक्लिक ईथर रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर बहुत इजी वे में आप देखिएगा कि जो भी साइक्लिक ईथर है वो भी रिएक्शन करते हैं। तो यहां पॉइंट लिखेगा स्मॉल साइकिल, स्मॉल साइकिल, साइक्लिक ईथर
यानी कि स्मॉल का मतलब छोटे होंगे, स्मॉल साइक्लिक ईथर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड जनरेट एल्कोहल, जनरेट एल्कोहल तो ये जनरेट अल्कोहल कैसे होंगे? डायरेक्ट नहीं होंगे, विद वाटर, बाद में वाटर भी मिलाना पड़ेगा। तो कैसे होता है ये रिएक्शन में ही आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये साइक्लिक ईथर है, आपके पास यहां आर माइनस एम जी एक्स आया, आर माइनस ने अटैक करा तो आपके पास क्या बना? ओ माइनस एम जी एक्स यहां आ जाएगा और यहां कौन जुड़ जाएगा? आर। छोटी साइकिल में स्टेरिक इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ रहा है। तो अब इसके बाद आपने क्या कर दिया? वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, एच टू ओ के साथ। तब तो आपके पास आर ओ एच बन जाएगा, बना या नहीं बना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये अल्कोहल है R माइनस एम जी एक्स, तो R माइनस उस तरफ जाएगा जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो ये वाले कार्बन पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये इस तरफ जाएगा, ये यहां जाएगा। तो फाइनली आपको क्या दिखाई देगा? ओ माइनस एम जी एक्स और यहां आर इससे अटैच हो जाएगा आर। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इस कंपाउंड का, तो यहां ओ एच। तो कौन सा अल्कोहल मिल रहा है यहां पर? 2 डिग्री। R माइनस एम जी एक्स यहां इस तरफ अटैक करेगा, वो का वही, ये यहां जाएगा। O माइनस R यहां आ चुका है, हाइड्रोलिसिस किया OH, R आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने बड़ी एल ले लिया, 5 या उससे ज्यादा ले लिया और आर एम जी एक्स करा प्लस हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश की, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, तो 5 या उससे ज्यादा एटम वाली साइक्लिक ईथर के लिए कोई रिएक्शन नहीं है। लिख लीजिए ये दोनों पॉइंट, लिख लीजिए रिएक्शन के एग्जांपल। फर्स्ट एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया सिंपल, ध्यान से देखिएगा, आर एम जी एक्स, ये मेरे पास रखा हुआ है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। इसकी मैंने रिएक्शन कराई CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, इसकी रिएक्शन कराई मैंने ROH से, इसकी रिएक्शन कराई मैंने RC डबल बॉन्ड O R से, इसकी रिएक्शन कराई मैंने RNO2 से, इसकी रिएक्शन मैंने कराई, जल्दी से बताओ इनमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसकी रिएक्शन मैंने कराई RC डबल OH से, यहां मैंने रिएक्शन कराई फिनोल से, यहां मैंने रिएक्शन कराई इस वाले कंपाउंड से, और कुछ रिएक्शन ऐसी ही मैं करा रहा हूं एमाइड से, एमीन से। अच्छी बात क्या है यहां पर? आर सी डबल बॉन्ड
ONH2 एमाइड। H2O से तो देखिए सब में अच्छी बात क्या है, सब में बनेगा एल्केन, क्योंकि यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहां सब जगह आपको क्या दिखे को मिलेगा RH। ये इस तरह से रहता है, आपको मैंने बता ही दिया था कि जैसे आपके पास सपोज यहां पर CH3 है तो ये किस फॉर्मेट में रहेगा, ट्यूटोमेरिस शो करके CH2 डबल बॉन्ड NOH में, तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा RH 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 RH, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है और एक ही बनाएगा, और यहां बेंजीन मिलेगी, बस अंतर है क्योंकि फिनोल है। अच्छा बेंजीन मिलेगी या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन तो ये निकलेगा तो मिलेगा तो आपको RH, क्योंकि ये H इसको देगा, और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो मिलेगा यहां पर RH, और ये हाइड्रोजन एसिडिक है कैसे पता चला, क्योंकि एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, यहां पर भी RH। ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से हैलोजन से जुड़े होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इसके अलावा और कौन से हाइड्रोजन एसिडिक है, H2S, HCN, ये सब एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पकड़ में आया या नहीं आया। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ग्रिगनार्ड का हटा दूं मैं, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस आर एम जी एक्स। अब बताइए यहां क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और सेकेंड रिएक्शन में आपने करी H2O के साथ हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों हमने ये नहीं पढ़ा, लेकिन हम इतना IQ रखते हैं कि ये भी कार्बोनाइल ग्रुप की तरह हाईली पोलराइज्ड होगा, होगा या नहीं होगा। तो कैसे करोगे इसकी मैकेनिज्म, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस आर माइनस आएगा यहां और ये जाएगा यहां, होगा या नहीं होगा। तो यहां क्या देखने को मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड एन, यहां पर R जुड़ चुका है, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, और N पे क्या है यहां पर माइनस एम जी एक्स, यहां अटैच हो जाएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, समझ लो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, अब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखिए यहां आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा, और जितना भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप करने की कोशिश करो, और मेरे को फाइनल प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनेगा इस जगह करने पे। ओएच ओएच इसको दे दो, आर सी ओएच ओएच दोनों बॉन्ड टूट गए, ओएच ओएच इसको दे दो, एच एच उसको दे दो, तो वो मेरे को चाहिए ही नहीं, एम जी एक्स और यहां पर NH2। लेकिन एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, या सुनो क्या आगे अल्कोहल बन जाएगा, हाँ या ना, नहीं, ग्रिगनार्ड तो खत्म हो चुका है, क्यों हो चुका है, जैसे ही पानी मिलाया ग्रिगनार्ड पूरा एल्केन बना के अलग हो जाता है, बचा हुआ ग्रिगनार्ड। तो अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो इसको दोबारा से ग्रिगनार्ड करना पड़ेगा, समझ में आया। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड या कीटोन्स, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप और लिख लीजिए अपने नॉलेज में, एट भाई बचा हुआ ग्रिगनार्ड H2O के साथ रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि हम H2O यहां पर भर भर के डालते हैं, इसके लिए पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी फिर हाइड्रोलिसिस होगा। तो क्या ये समझ में आ गया, दो तो ग्रिगनार्ड कोई बहुत ऐसा नहीं है, आपके साथ एक ही चीज है, तीन तरह की रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है, एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन,
बाकी और कुछ भी नहीं दे रहा, तीन तरह से। साइक्लिक ईथर के साथ कौन सा दे रहा था वो, छोटे वाले साइक्लिक ईथर के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, खत्म बात। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले आपको क्या निकाल लगाना है, सबसे पहला वाली एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपके दिमाग में ये चीजें आ गई तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी रिएक्शन कभी भी लिखो, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रह रहा है, एक छोटी छोटी बातें हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल H2O की जगह मैं कुछ भी पॉलर सॉल्वेंट डाल सकता हूँ, बोलो डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, मैंने RMGX लगाया, बताइए रिएक्शन में क्या होगा। और नीचे H2O की जगह मैंने अमोनियम क्लोराइड लिख दिया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी एग्जाम्पल है। तो ये हमारे लिए थर्ड नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब क्या लिखाएंगे, RC डबल बॉन्ड OR प्लस R-MgX, R- जाएगा, क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो बना या नहीं बना, बना। अब क्या है, वाटर आना चाहिए था, हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक तरह से, अमोनियम क्लोराइड एक तरह से क्या है, अमोनिया और HCl। ये H इस तरफ आएगा और ये Cl इस तरफ से आएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, MgX तो था ही, Cl भी आ जाएगा। तो वही काम जो वाटर कर रहा था वो HCl कर जाएगा, और ज्यादा तेज स्पीड से करेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है कि अमोनियम क्लोराइड क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो वाटर यानी हाइड्रोलिसिस वाला ही काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आपको डराने की कोशिश करते हैं और आप डर जाते हैं, प्लीज डरे ना, ठीक है। बाकी तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये कंपाउंड है, RMGX, कैसे रिएक्शन होगी, पहले R इस जगह जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यस और नो, तो क्या बन जाएगा, RO C डबल बॉन्ड O, यस, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, फिर क्या होगा, OR पूरा निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, RO C, ये इधर आएगा, OR पूरा निकल जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास R बनेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है OR। और अच्छी बात क्या है, इसमें तो दो दो लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। तो अभी तो एक बार और रिएक्शन होनी बाकी है RMGX की, क्या होगा, R यहां आएगा, ये ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा और ये चीज निकल जाएगी। तो फिलहाल तो मैं अभी O-RRMGX, फिर ये वाला माइनस इधर आएगा, ये निकल जाएगा OR माइनस के फॉर्म में और MgX OR बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, सही है, दो लिविंग ग्रुप है तो दो MgX RMGX तो यूज हो चुके हैं। अब आगे फिर RMGX आएगा, R इस तरफ जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, RCO-RR, एक्सेस में ही है, क्या हुआ, हाँ। तो अब इससे ज्यादा RMGX रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये दिखेगा। और जैसे ही आपने पानी मिलाया, क्या मिलाया, वाटर,
तो ये H2O मिलाते ही आपके पास क्या हो जाएगा, RCOH R। तो कितने मॉलिक्यूल RMGs के कंज्यूम हुए हैं इस पूरी रिएक्शन में, कैसे काउंट करेंगे? एक तो कितने लिविंग ग्रुप हैं प्लस कार्बोनाइल ग्रुप, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड RMGs है। कोई भी अल्काइल हैलाइड डायरेक्ट RX अगर हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेंगे तो R R मिलेगा, X यहां चला जाएगा, ये रिएक्शन स्लो होगी, बहुत स्लो। दूसरी तरफ अगर यही एराइल हैलाइड हो गया यानी कि बेंजीन से हेलोजन अटैच्ड है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स है, तो इतनी आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको ग्रिग्नार्ड के और याद रखने, ठीक है? तो एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ फिर आपको कि नंबर ऑफ RMGs कितने यूज होंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा की पॉइंट हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपको x मॉलिक्यूल चाहिए RMGs के, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो यहां x की वैल्यू क्या बताएगी, कितने x मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम इन गिवन रिएक्शंस, ये x है हमारे पास। तो x हमारे पास क्या है, कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, एसिडिक हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कितने हैं प्लस नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये चीजों का ध्यान रखो आप, आपका काम चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स कितने, कार्बोनाइल ग्रुप कितने, उतने एक्स की हमारे पास जरूरत होगी। एक्स यहां पर क्या शो कर रहा है लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये हमारे पास आ रहा है। तो लिखें इसको जल्दी से आप, जो ये बताएगी कि फला फला ग्रुप इतने मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आपके पास हूं जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हैं वो कितने कंज्यूम करेंगे, जैसे मैं आपके साथ हूं और बताना चाह रहा हूं H2O D2O ROH ये कितने कंज्यूम करेंगे, एक, क्योंकि इनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। D2O के पास एक D देगा अमोनिया, सही है, अमोनिया NH3। बात करते हैं एमीन RNH2, ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन दे देगा, या एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन देगा, बस सिर्फ एक। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब आगे कुछ और भी है हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं HCN, एसिडिक हाइड्रोजन एक है, ये भी एक देगा। अब बात आती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देगा सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक। तो यहां पर कितने कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहे हैं, एक, सिर्फ एक, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। R और H अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, बहुत बेकार है, नहीं निकलेंगे, तो कितना कंज्यूम होगा, एक। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आगे अगर लिविंग ग्रुप होता तो लिविंग ग्रुप किस तरह से देख रहे होते आप, यहां पर
एच ऑब्लिक आर सी डबल बॉन्ड, यहां मैं सी एल ले लेता, कितना ये लिविंग ग्रुप भी हो जाता और एक कार्बोनाइल, तो कितने कंज्यूम होते हैं, दो दो होते हैं ना, एच ऑब्लिक आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ओ आर एक लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो एच आर एच आर का मतलब या तो यहां पर एच होगा या आर होगा, और एच और आर लिविंग ग्रुप होते ही नहीं, एच माइनस स्टेबल है क्या, नहीं है ना, आर माइनस स्टेबल है क्या, नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस बाहर नहीं निकलेंगे, हमेशा क्या होगा, वीक बेस बाहर निकलेंगे, जो इस फोर वाले के अंदर कहां लिखा है, ये तो यहां पर रिएक्शन हो रही है, इसके लिए लिविंग ग्रुप क्यों निकलेगा, पागल है क्या, लिविंग ग्रुप नहीं है, बस यहां क्या होता है, ग्रिग्नार्ड यहां आएगा, ये उधर जाएगा, कोई लीव नहीं कर रहा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट छोटा छोटा सा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर एक ये पहले एक आर आएगा ग्रिग्नार्ड का, यहां अटैच होगा, ये ओ आर निकल जाएगा, फिर दूसरा आएगा वो इस ओ को डबल बॉन्ड ओ को ओ एच में चेंज कर देगा, तो कितने कंज्यूम होंगे यहां पर भी, दो, अगर हमने यहां पर ले लिया एच ऑब्लिक आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, समझ में आ रहा है, तो आप ही बताइए कितने लिविंग ग्रुप आएंगे, ये अपने आप में एक लिविंग ग्रुप है, बस एक ही है ये पक्का, ये O माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, और एक यहां पर, तो कितने कंज्यूम होंगे, दो, कितने कंज्यूम होंगे, दो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ओ आर और इस तरफ भी ओ आर, तो अब दो लिविंग ग्रुप है, एक ये एक ये और एक कार्बोनाइल है, तो दो प्लस एक यानी टू प्लस वन कितने हो जाएंगे, थ्री, यहां दो लिविंग ग्रुप है, तो कितना कंज्यूम होगा, थ्री, तो यहां ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल थ्री आपके कंज्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा आर एक्स एक एक्स है अलग हो जाएगा, कितना कंज्यूम होगा, वन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये है तो यहां एक भी लिविंग ग्रुप नहीं है, कितना होगा यहां पर, जीरो, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या होगा, जीरो, तो बहुत आसानी से आप ये देख सकते हो, हाँ अगर आपके पास कोई इस तरह से कंपाउंड है और यहां आपके पास, मैं एक और ले लेता हूं, ये नहीं हमारा का ये है, बेटा तीन लिविंग ग्रुप यहां, एक ओ आर लिविंग ग्रुप है, एक ओ आर लिविंग है, लिविंग ग्रुप दो है, तो दो वहां कंज्यूम, फिर एक डबल बॉन्ड है वहां पर आपके कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तीनों चीजें किससे रिप्लेस होगी, आर से, वो आर कौन देगा, ग्रिग्नार्ड, तो एक तरह से यहां कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनेगा, थ्री डिग्री, यहां पर ये वाला एक तरह से क्या होगा, शिफ्ट होगा इस तरफ, यहां आपके पास आएगा और यहां कितने कंज्यूम होंगे ग्रिग्नार्ड के, एक, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा, फाइनली आपको हाइड्रोलिसिस होके क्या मिलेगा यहां पर, आप समझ ही सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, या सुनो, तो ये हमने सब कुछ कर लिया, इतने ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो रहे हैं हमारे अलग अलग रिएक्शंस के अंदर, बोलो क्लियर, और कुछ समझना है आपको, तो ये हमारे पास आ गया एक इजी वे में, अच्छा H2S को भी यही रख सकते हो आप, इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और आर सी डबल ओ एच जो हमारा रह रहा है इसको भी आप यहां एक ही रखेंगे, यहां लिविंग ग्रुप नहीं देखा जाएगा, यहां कौन से देखा जाएगा, एसिड बेस रिएक्शंस, एक, पकड़ो बात को, ठीक है, इसके साथ आप क्या रख सकते हो, फिनोल, पक्का, अल्कोहल ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन से डिसाइड होगा ना कि लिविंग ग्रुप में, बच्चा यहां दो कर देगा, क्यों, क्योंकि बच्चा ये सोचेगा कि ऐसे ये लिविंग ग्रुप है ये कार्बोनाइल है, जबकि यहां एक ही कंज्यूम होगा, यानी आपके लिए बेंजोइक एसिड में भी एक ही यूज होगा, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है, यहां लिविंग ग्रुप नहीं देखना एसिडिक हाइड्रोजन के केस में, एमाइड के केस में भी एक ही कंज्यूम होगा, बोलो क्लियर है कंसेप्ट, ओ आर टू एक अलग या सेम,
अल्काइल हो सकता है इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने R2 रिप्रेजेंट करा है ना कि R1, अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा। R1 इस जगह अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बोनाइल ग्रुप पर, और ये ऊपर जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगी, और एक तरह से ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। ओपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है? हाँ, यहाँ तो दो दो लिविंग ग्रुप है, तो वापस एलिमिनेशन होने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर ओ माइनस वापिस ये पाई बॉन्ड बनाएगा और एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे को क्या मिलेगा, एस्टर, यानी एक अभी ग्रिगनार्ड यूज हुआ है। अब फिर दूसरा ग्रिगनार्ड आएगा, वो वापिस वैसे ही रिएक्शन करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, और एक और ओ आर माइनस जो कि स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक कीटोन R1C R1 डबल बॉन्ड ओ, यानी ये कीटोन है। अभी ये एक और कंज्यूम कर सकता है RMGX को, तो हमने वही किया। अब वापस RMGX को कंज्यूम कराया तो C R1 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 तीनों R1 हो गए और OMGX, यानी इस तरफ हमारे को हमेशा क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रिगनार्ड कंज्यूम हुए हैं इसके अंदर, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिगनार्ड कंज्यूम पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद एसिड एनहाइड्राइड। मेरे पास R1MGX है, ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, भले वो वहां कराए यहाँ कराए, तो यहाँ जैसे कराता हूँ ये O माइनस जाएगा, O माइनस वापस ब्रेक में आएगा, और ये जो हमारा एसीटेट या एल्कोक्सेट साइट आयन है ये बिल्कुल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या होगा, एक कीटोन मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद O माइनस COOR, इसमें रेजोनेंस है, यहाँ कोई ग्रिगनार्ड की जरूरत नहीं होगी, अब ये ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा भी नहीं, और बाद में हाइड्रेशन के बाद ये एसिड बना लेगा। ठीक है, इसको अलग रखें, यहाँ पर कीटोन है, कीटोन वापस ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ओ माइनस आएगा जिसपे MGBR अटैच है, और लास्ट में उसका हाइड्रेशन होते ये क्या बना लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। खास बात देखने की ये कि यहाँ पर R2 ये वाला ही है, जबकि यहाँ पर तीनों गायब हो गए थे, यहाँ पर लास्ट में क्या मिला था, R1 R1 R1। आर यू गेटिंग, यानी हमें इस तरह की रिएक्शन में आपको दोनों ही जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर 2 R सेम है और यहाँ पर तो तीनों ही सेम है। तो लिखें इसको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद एमाइड। एमाइड के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, होती है इस जगह, तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। एसिड बेस रिएक्शन में इसका हाइड्रोजन R1 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, एल्केन देगा। तो ये एल्केन बन रही है यहाँ पर, और सिंपल सा है बाकी ये रिएक्शन है, और अगर आप इसका हाइड्रेशन करते हैं वापस H3O+, तो आपको वापस वही मिल जाएगा जो आपने स्टार्ट किया है, यानी एमाइड। आर यू गेटिंग, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, देखिए C2H5MgBr है, CH3COOH2 है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, और यहाँ C2H5 है, तो C2H5 एसिडिक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, C2H6, आपको हाइड्रेशन की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने वो लिखा भी नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट नहीं बन रहे, लिखिए इसको। हाँ तो मित्रों, एक और रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल होते क्या है, यदि ओ आर और ओ एच अटैच विद सेम कार्बन देन कॉल्ड हेमी एसिटेल। देखिए ये कार्बन है, एक तरफ ओ एच है और एक तरफ ओ आर है, तो क्या ये एक हेमी एसिटेल का एग्जाम्पल है, बिल्कुल हाँ, ये एक हेमी एसिटेल का एग्जाम्पल है। इसके पास ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, तो RMGX के साथ जब ये रिएक्शन देगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन एल्केन बनाएगी RH, और ओ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, तो ये ओ माइनस इस तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड मिलेगा O माइनस। तो हमारे पास एक और बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, पहले क्या थी एसिड बेस, अब क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और हमारे पास R आएगा O माइनस O माइनस, जिसका हाइड्रेशन करने पे हमें ये कंपाउंड मिलेगा ROH और OH। तो ओवरऑल इसमें कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे RMGS के, 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम, तो लिख लीजिए 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ GR कंज्यूम इन अबव रिएक्शंस। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद एसिटेल।
अगर दो ओ आर ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एसिटेल। देखिए ये ओ आर ग्रुप अटैच हो रहा है, ये ओ आर ग्रुप हो रहा है इस कार्बन से अटैच हो रहा है, यानी इस कार्बन पे हमारे पास क्या है, दो ओ आर ग्रुप अटैच हो रहे हैं, एक ये वाला ओ आर और एक ये वाला ओ आर, इसे क्या बोलेंगे, एसिटेल। और इसमें एसिटिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये ग्रिग्नार्ड के साथ कोई रिएक्शन देगा, नहीं, ना तो ये एक एडिशन रिएक्शन देगा ना ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो ये कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे इसमें आर एम जी एक्स के, जीरो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, लिखे इसे। यस डियर फ्रेंड्स, एक टेबल बनाई गई है जिससे ये पता चलता है कि एक मोल सब्सटेंस के लिए कितने मोल आपको ग्रिग्नार्ड की जरूरत होगी, बहुत अच्छी टेबल है, इसको समझते हैं। H2O एसिडिक हाइड्रोजन रखता है एक देने के बाद, उसके बाद वो दूसरी नहीं दे पाएगा, यानी कि कितने मोल कंज्यूम होंगे ग्रिग्नार्ड के, एक, लेकिन ये रिएक्शन कहलाएगी एसिड बेस की, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल के पास भी एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, वो हमारे पास यहाँ एक दे रहा है। एमी, यहाँ पर भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर भी एक मोल ग्रिग्नार्ड का कंज्यूम होगा। ये एमाइड, यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है और वो हमारे पास यहाँ एसिड बेस रिएक्शन देगा और एक ही मोल कंज्यूम होगा। ये है कीटोन, कीटोन के अंदर एक ही मोल कंज्यूम होगा लेकिन यहाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होगा, यहाँ पर भी एक ही मोल कंज्यूम होगा। और ये है नॉर्मल एल्काइन जो कि टर्मिनल नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर जीरो मोल कंज्यूम होगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं एस्टर, एक बार होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरी बार होगा सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरह से मेरे पास दो मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम होंगे, यहां पर भी पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन जिसमें एक मोल कंज्यूम होगा, फिर उसके बाद एडिशन रिएक्शन में एक और मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। तो पहले भी एक मॉलिक्यूल हुआ था, अब भी एक मॉलिक्यूल हो रहा है, यानी टोटल कितने हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल। यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिड बेस रिएक्शन होगी और एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी एक ही मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड का कंज्यूम होगा। यहां पर ये एसिड एनहाइड्राइड है, पहले एक कंज्यूम होगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और दूसरे पार्ट में सिर्फ एडिशन रिएक्शन होगा, यानी टोटल हमारे पास दो मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड के यहां पर कंज्यूम होंगे। यहां पर देखा जाए, यहां पर एलिमिनेशन, दो बार एडिशन एलिमिनेशन होगा, फिर तीसरी बार जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी टोटल थ्री मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। यहां पर आरसीएन, एक ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। बेंजाइल क्लोर नहीं, ये तो क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में यहाँ डीबीसी करेक्टर है, ये किसी भी तरह की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं देगा, यानी जीरो मॉलिक्यूल होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। आरएसएच, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड के साथ और एक मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। ये है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में भी एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड का कंज्यूम होगा। ध्यान दीजिएगा, बेंजाइल क्लोराइड आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दे देती है, लेकिन अगर ये कोई भी नॉर्मल एलिफेटिक हैलाइड होता, मतलब अल्काइल हैलाइड होता, तो अल्काइल हैलाइड नहीं दे पाती ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, यानी अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। बेंजाइल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है और यहां पर रिएक्शन हो रही है और एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन नॉर्मल अल्काइल हैलाइड ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देगा और वहां पर कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे ग्रिग्नार्ड के, जीरो होगी, लेकिन बहुत धीरे होगी, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, टेबल को लिखें। डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है, क्या है देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ जी आर आर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी इनका एक कंपाउंड के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल जी आर की जरूरत होगी, ये हमें पता लगाना है इन सभी में। ये कुछ एग्जाम्पल है, एक एक करके देखते हैं। देखिए इस कंपाउंड में, इस जगह आपको एसिटेट ग्रुप दिख रहा है और आप जानते हैं इसके लिए कितने जरूरत है आपको, दो, अपने आप में दो चाहिए। एक आपको यहां चाहिए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर कितना चाहिए, एक, एक यहां चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो टोटल कितना हुआ, टू प्लस वन प्लस वन, यानी नेट आंसर क्या होगा, फोर मॉलिक्यूल, लिखें इसको। दूसरा एक और कंपाउंड है, इसमें भी वही पता लगाना है, तो ये एक एस्टर ग्रुप है, इसके लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दो। ये एक कीटोन ग्रुप है, इसके लिए कितने चाहिए, एक। ये एक NH2 एमीन है
और इसके लिए क्या चाहिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन एक है, तो कितने हुए, टू प्लस वन प्लस वन, यानी आपके पास कितने चाहिए रहेंगे यहाँ पर, फोर मॉलिक्यूल, कितने चाहिए, फोर मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखिए ये क्या है आपके पास, कीटोन, कीटोन के लिए आपको कितना चाहिए, एक, एल्डिहाइड के लिए आपको कितना चाहिए, एक, एचएस के लिए आपको एसिडिक हाइड्रोजन है एक, OH के लिए आपको एक, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितने हुए, यहां पर भी आंसर क्या जाएगा, फोर मॉलिक्यूल, बहुत इजी है। अब यहां देखिए इस जगह इसमें क्या है, एसिटेट ग्रुप, यानी कितने चाहिए, दो, यहां पर CN एक, यहां पर एल्डिहाइड एक, यहां क्लोरीन जीरो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स रखता है, ये नहीं हटेगा। यहां पर ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जहां पर दो बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी टोटल कितने चाहिए रहेंगे, थ्री। यहां एसिडिक हाइड्रोजन है एक, यानी टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर, ध्यान से देखिएगा, टू प्लस वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए यहां पर, एट मॉलिक्यूल, इजी है बात। अब आते हैं हम फिफ्थ एग्जांपल में, ये बहुत इजी है, ये एस्टर ही दिख रहा है मुझे, एस्टर ग्रुप है, यानी कि इसके लिए कितने चाहिए मुझे अपने आप में, दो, कितने चाहिए, दो, तो इसका आंसर कितना जाएगा, टू। यहां पर सीएल, बिल्कुल ये बेंजाइल क्लोराइड वाला फॉर्म है, तो इसके लिए कितने चाहिए, वन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके लिए कितने चाहिए, वन, तो नेट इसका आंसर कितना होगा, टू मॉलिक्यूल। लिखिए, तो ये यहां देखते हैं, ये ईथर है, इसके लिए कितना चाहिए, जीरो, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये एसिड हैलाइड है, तो यहां पर आपको कितना चाहिएगा, टू, यहां पर एक तरह से बेंजाइल ब्रोमो है, तो यहां पर हमारे पास कितने चाहिएगा, वन, तो टू प्लस वन कितना होगा, थ्री, तो नेट इसका आंसर कितना होगा, थ्री मॉलिक्यूल। यहां देखिए, ये एक तरह से मेरे पास ये एक लिविंग ग्रुप है, ये एक लिविंग ग्रुप है, और यहां एडिशन होगा, टोटल कितने चाहिए रहेंगे यहां पर भी, थ्री मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर भी थ्री मॉलिक्यूल होगा, ऊपर वाले का भी तीन था, यहां पर भी, यहां पर ये एक लिविंग ग्रुप है, ये एक लिविंग ग्रुप है, तो दो तो यहां चाहिए, एक यहां एडिशन के लिए चाहिए, तो इसका आंसर भी कितना होगा, थ्री मॉलिक्यूल, कितना होगा, थ्री मॉलिक्यूल। यहां देखिए, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एक यहां चाहिए, ये एडिशन होगा, एक यहां चाहिए, ये एक तरह से क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर भी एक चाहिए, तो हमारे पास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, टोटल कितना हो जाएगा, फोर मॉलिक्यूल चाहिए रहेंगे हमें। इधर देखिए, ये हेमी एसिटेल है, अगर किसी कार्बन पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कार्बन पे एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे हेमी एसिटेल। यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से ये क्या रहेगा, O, और यहां पर ये O- बना लेगा, फिर ये O- इस तरफ आएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक तो हमारे को यहां चाहिए और फिर जो कीटोन बनेगा एक और चाहिए, तो टोटल इसके लिए कितने चाहिए रहेंगे हमें, टू मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी हेमी एसिटेल हो वहां पर ग्रिग्नार्ड के कितने कंज्यूम होंगे, टू मॉलिक्यूल, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, टू मॉलिक्यूल। लेकिन एसिटेल या कीटेल, एसिटेल को कीटेल भी हम यहां बोल सकते हैं, इसके लिए कितना चाहिए, जीरो, क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, तो यहां आंसर कितना जाएगा, जीरो मॉलिक्यूल। उतार लीजिए इसको,